गौरव चंदेल हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस हत्याकांड के दोनों आरोपी 14 दिन की रिमांड पर भेजे गए। हापुड़ पुलिस ने उमेश और पूनम की 14 दिनों की रिमांड मिली है। आरोपी पूनम मुख्य आरोपी है और आशु जाट की पत्नी है। आशु जाट अभी भी फरार बताया जा रहा है। आशु जाट को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। हापुड़ सीजीएम कोर्ट ने दो आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है, उमेश और पूनम को, और तीसरा आरोपी आशु जाट जिसकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। आरोपी पूनम मुख्य आरोपी आशु जाट की पत्नी है। हापुड़ सीजीएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों आरोपी 14 दिन की रिमांड पर भेजे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, पूनम और उमेश दोनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं तीसरा आरोपी जो मुख्य आरोपी है आशु जाट, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दे रही है, लगातार जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले उमेश को गिरफ्तार किया था, आरोपी उमेश के बाद आशु जाट की पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई और गहनता से उनसे पूछताछ भी हुई। फिलहाल इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी आशु जाट अभी भी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। तो वहीं दो आरोपी, आरोपी पूनम और आरोपी उमेश, दोनों ही 14 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं। मोहम्मद ताहिर जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मोहम्मद ताहिर, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं जिस तरह से दोनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है? मोहम्मद ताहिर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। इस बीच लगातार आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, गौरव चंदेल हत्याकांड के दो आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं तीसरा मुख्य आरोपी आशु जाट अभी भी फरार है, इसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। इससे पहले आरोपी उमेश को हापुड़ पुलिस और नोएडा पुलिस ने सख्त कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया था और उसके बाद आशु जाट की पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई थी। आज दोनों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीजीएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा। 14 दिन की रिमांड पर दोनों आरोपी भेजे गए हैं। मोहम्मद ताहिर जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। मोहम्मद ताहिर, 14 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं दोनों आरोपी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज आपको बताना चाहूंगा, आज धौलाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और वो जो पुलिस ने कहा था कि पहले इनकी रिमांड ली जाएगी, तो कोर्ट में अर्जी दी गई रिमांड लेने की, तो दोनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड जो है पुलिस को मिल गई है। वही जो जो आरोपी एक पूनम है, जो आशु जाट की पत्नी है, उसके साथ एक मासूम बच्चा भी था जो बताया जा रहा है कि 1.5 माह का था, उसको कोर्ट ने उसके परिवार के सुपुर्द करार दिया गया है। जी मोहम्मद ताहिर, जानकारी के लिए शुक्रिया।